हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश और मेरे नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय टीम का पहला मैच, जो भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीता था, और उसी टेस्ट मैच के दौरान एक भारत के महान बल्लेबाज का डेब्यू होता है। जी हाँ, इंडियाज फर्स्ट टेस्ट मैच विक्ट्री अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड डेब्यू ऑफ द वन ऑफ द लेजेंड बैट्समैन सुनील मनोहर गावस्कर। जी हाँ, 1971 का टाइम था जब भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में एक पहला जीत हासिल किया, और उसी मैच में भारत की तरफ से एक महान बल्लेबाज का उदय होता है। अब दोस्तों, इससे पहले आपको लेकर के चलना चाहता हूँ, भारत और वेस्ट इंडीज ने 1948 और 49 में अपना टेस्ट मैच का श्रृंखला खेलना स्टार्ट किया, और उन जो पहला सीरीज था उसमें वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम को 1-0 से हराया था। वास्तव में उन दोनों टीमों के बीच उससे पहले 5 मतलब सीरीज हो चुका था, और वो 5 सीरीज वेस्ट इंडीज टीम ने जीता था, और जिसमें से 3 वेस्ट इंडीज में हुए थे और 2 भारत में, और उन 5 टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों, जब 1961 और 62 में जब भारतीय टीम पहली बार वेस्ट इंडीज का टूर किया, तो उस समय भी भारतीय टीम को 5-0 से मुंह की खानी पड़ी थी, और वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम को पूरी बुरी तरह से 5-0 से वो टेस्ट मैच हराया था। और उस समय तक 1971 तक भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में कुल मिला के 23 आपके टेस्ट मैचेस हुए होते हैं, जिसमें से 12 वेस्ट इंडीज जीती होती है और 11 में ड्रॉ होता है, यानी कि भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ अब भी जीत का इंतजार था। इसलिए दोस्तों, जब भारतीय टीम दोबारा 1971 में वेस्ट इंडीज के टूर पे जाती है, तो जो भारत के जो बहुत बड़े बड़े प्रशंसक थे, उनको उम्मीद नहीं थी इस टीम से, क्योंकि लेकिन अजीत वाडेकर के उस समय भारतीय टीम के कप्तान होते हैं, और जिनके लीडरशिप में वेस्ट इंडीज का दौरा करते भारतीय टीम, क्योंकि उस समय भारतीय टीम के पास दिलीप देसाई, सलीम दुर्रानी और महान स्पिन की चौकड़ी जैसे खिलाड़ी होते हैं, और उनके पास एक सुनील गावस्कर नाम का एक मुंबई का प्रोडिगी था, जिसने रणजी ट्रॉफी में अपना नाम कमाया था, और उसको अभी अपना डेब्यू का इंतजार था। वेस्ट इंडीज के टीम को दोस्तों एक और बात बता दूं कि वेस्ट इंडीज टीम के जो 60s के तेज गेंदबाज थे वेस वॉल और चार्ली ग्रिफिथ, वो लोग संन्यास ले चुके थे, और सर गैरी सोबर्स वाली टीम जो है एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही थी। जब भारतीय टीम जमैका में पहला टेस्ट मैच बचा लिया, क्योंकि उस टेस्ट मैच में भारत के दिलीप सर देसाई, जिनको हम सर्डिन मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक दोहरा शतक मारा, और उस दोहरा शतक के वजह से ही भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के साथ उस मैच को ड्रॉ करने में कामयाब रहा, और इसके बाद धीरे धीरे भारत के तरफ से दिलीप सरदेसाई का एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में भी उदय हुआ। फिर ये अगला बारी आती है भारत का, जो पोर्ट ऑफ स्पेन में, तो जो पोर्ट ऑफ स्पेन जो पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद भारतीय टीम का मनोबल थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि इस बार भारतीय टीम हार के साथ नहीं बल्कि एक ड्रॉ के साथ ये शुरुआत किया है। तो भारतीय टीम अपने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच में दो अपने टीम में बदलाव करते हैं, पहला एमएल जयसिंघा और केनिया जयंती लाल, ये दो बल्लेबाजों को हटा करके दो मुंबई के युवा बल्लेबाज अशोक मानकण, जी हाँ ये बीनू मानकण जी के बेटे हैं, जो अपना मात्र 8वां टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं, और उनके साथ ही 21 साल का एक नौजवान सुनील गावस्कर, जिसने डेब्यू किया है, इन दोनों को रिप्लेस किया गया। वेस्ट इंडीज टीम उस मैच में टॉस जीतती है और बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, हालांकि वेस्ट इंडीज टीम का फैसला सही नहीं होता, और उनका पहला झटका तब उनको लगता है जब रॉय फेडिक्स बिना खाता खोले हुए आबिद अली की गेंद पे आउट हो जाते हैं, और भारतीय टीम का एक बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी होता है, और उस गेंदबाजी के ही बल पे भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को 214 रनों पे रोक देता है। हालांकि वेस्ट इंडीज के साइड से डेविस ने 71 रन की नाबाद पारी खेलते हैं। जब भारतीय टीम की शुरुआत होती है, तो भारतीय टीम की भी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अशोक मानकण ने बहुत तेजी से रन मारते हैं, और सुनील गावस्कर और मानकण के बीच में 68 रन का पार्टनरशिप होता है, जिसमें से 44 रन केवल अशोक मानकण के थे। दूसरी तरफ से युवा सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर का वो डेब्यू मैच था, उस मैच में बहुत ही उन्होंने धैर्य और एक संकल्प वाली पारी खेली, और उन्होंने दिलीप सरदेसाई के साथ फिर से 96 रनों की एक बहुमूल्य पार्टनरशिप करते हैं,
और पहली पारी में सुनील गावस्कर अपने पहली डेब्यू पारी में शानदार 65 रन मारते हैं और दिलीप सरदेसाई ने एक और शतक मारते हैं और उसके अलावा एकनाथ सोलकर ने भी 55 रनों का योगदान दिया। और वेस्टइंडीज के लिए जो उनके स्पिनर होते हैं जैक नेरिगा, उन्होंने 95 रन दे करके 9 विकेट लेते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को पहली पारी के बेस पे 138 रनों का बढ़त मिलता है। वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि उनके बल्लेबाज फेड्रिक्स ने 80 रन और डेविस ने 74 रन मारते हैं, जबकि भारत की तरफ से वेंकट राघवन ने अच्छी गेंदबाजी की, 5 विकेट लेते हैं और वेस्टइंडीज टीम 261 रन पे ऑल आउट होती है और इस तरह से भारतीय टीम को 124 रन का टारगेट मिलता है। भारत के लिए युवा सलामी बल्लेबाज अशोक मानकंड और सुनील गावस्कर ने फिर से भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं और 124 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप किया है। उस सेकेंड इनिंग में भी सुनील मनोहर गावस्कर 67 रन मार करके नाबाद रहते हैं और इसके बाद उन्हीं इनिंग के वजह से भारतीय टीम वो मैच 7 विकेट से जीत जाती है और जो भारत के प्रशंसक हैं और जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं उनको ये विश्वास दिलाया गया सुनील गावस्कर की उस दोनों इनिंग दोनों हाफ सेंचुरी की वजह से कि भारत के एक नए स्टार का जन्म हुआ। और 10 मार्च 1971 को टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने वेस्टइंडीज पर अपना ऐतिहासिक पहला टेस्ट विक्ट्री लिया। उन दोनों टीम के बीच में उस समय तक दोस्तों 25वें टेस्ट मैच में भारत की वो पहली जीत आई और सुनील गावस्कर का वो डेब्यू श्रृंखला था और उस अपने डेब्यू श्रृंखला में ही सुनील गावस्कर ने 774 रन मारे और अपने टेस्ट करियर में कुल उन्होंने 10,122 रन मारे और निश्चित रूप से उनका वो स्कोर इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहा जब तक से सचिन तेंदुलकर उनके बॉम्बे के बैकयार्ड के प्लेयर जब तक से नहीं आए थे तब तक से उनका टॉप स्कोर रहा। बाद में उन्हीं के स्कोर को उन्हीं के बैकयार्ड के प्लेयर सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा। तो दोस्तों उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ आप बेल आइकन को हिट करना मत भूलें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1989 में एसेज श्रृंखला में सबसे हाईएस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से थे, हु आर द लीडिंग विकेट टेकर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन द 1989 टेस्ट सीरीज। तो जी हाँ, उस गेंदबाज का नाम था टेरी एल्डरमैन। नाउ टुडेज क्वेश्चन, ही इज द ओनली विकेट कीपर टू कीप विकेट इन 5 टेस्ट सीरीज विदाउट कंसीडिंग अ सिंगल रन। जी हाँ, एक ऐसा विकेट कीपर जिसने अपने लगातार 5 टेस्ट सीरीज में बिना एक बाई रन दिए खेला, उस विकेट कीपर का नाम बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।